हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है सूरज कुमार। स्वागत करता हूँ मैं आपका टेक्साज कॉरपोरेट के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉस एंड अदर लीगल कॉम्प्लाइंस की आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आज का हमारा वीडियो होने वाला है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर। बेसिकली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है क्या, ये आपको क्यों चाहिए और ये कौन इशू कर सकता है, इसके लिए किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है और इसके रिगार्डिंग क्या क्या कॉम्प्लाइंस हो सकते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। सो बेसिकली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट सिंपल मतलब ये होता है कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है या एक तरह का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी सॉल्वेंसी के बारे में, आपके बिजनेस के या आपकी कंपनीज के सॉल्वेंसी के बारे में या उनके एक तरह की फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में आपको बताता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो आपको ये इंश्योर कराता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी सॉल्वेंसी स्टेटमेंट एक्चुअल में कैसी है। तो सिंपली टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं सीधे सीधे कहना चाहूँ, मतलब कि कोई भी एक बिजनेस है जो कि कितना सॉल्वेंट है, वो कितना फाइनेंशियली वायबल है, उस चीज़ के बारे में अगर कोई एक सर्टिफिकेट बताएगा तो वो आपका होगा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सवाल ये उठता है कि इस सर्टिफिकेट को आखिर इशू कौन करेगा। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, तो ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कैसे, आपको कौन देगा। इसके लिए आमतौर पर बेसिकली मैं इशूअर्स को दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी का नाम है बैंक। बेसिकली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आमतौर पर एक बैंक हो जो होते हैं वो बैंक इशू करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखेंगे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, कौन देगा, कहां से आएगा, तो ये आपका ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू करने का काम बैंक ही करता है। सेकेंड कैटेगरी होती है गवर्नमेंट ऑफिस। सेकेंड कैटेगरी में कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस, जस्ट लाइक कोई टैक्स ऑफिस हो गया या और कोई अदर स्पेसिफाइड जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वो भी आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है यूज़। भला हमें किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का यूज़ क्या है, हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हम एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तो इसके बेसिकली तीन चार तरीके यूजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला यूज़ आपके पास आता है लीगल टेंडर्स। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल टेंडर निकल रहा है, तो वहाँ पर आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। कोई भी आज के टाइम पे ऐसा कोई गवर्नमेंट लीगल टेंडर नहीं है जिसके आपको रिक्वायरमेंट हो और वो आपको बिना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के दिया जाता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट होती है, वो ऐसा कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रही है जिसके रिक्वायरमेंट आपको है, तो उस केस में भी आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हो सकता है। तीसरा टॉपिक है लीगल मैटर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार कंपनियों के मर्जर एक्विजिशन या और किसी तरह के कॉर्पोरेट अफेयर्स या और किसी और टाइप के बिजनेस के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लीगल कॉम्प्लाइंसेस है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो तीसरा हमारा यूज हो सकता है लीगल मैटर्स। और लास्ट आखिरी आखिरी टॉपिक आता है हमारे पास वीजा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, बट इन उस तरह के सिचुएशंस में हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, अब हमने बात कर ली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या है, कौन देगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बट सवाल लेके अगर आप किसी बैंक के पास अगर आप जाएंगे, आप बैंक को बोलते हैं कि सर मुझे एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या बैंक आपको ऐसे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देगा? आंसर इज नो। बैंक उसके रिगार्डिंग कुछ तो आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर बैंक आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू करेगा, तो वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करना चाहेगा या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहेगा जिसके बिहाफ पे बैंक खुद अपने आप में इंश्योर कर सके, अपने आप को वो
सिक्योर कर सके कि हाँ अगर मैं इस पर्सन को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ तो एटलीस्ट उसकी सॉल्वेंसी के रिगार्डिंग बैंक के पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो बैंक किस तरह के प्रूफ आपसे मांग सकता है उस सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग? ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में बैंक आपसे रिक्वायर्ड, बैंक आपको कह सकता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए तब मैं आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू कर सकता हूं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास एप्लीकेशन। बेसिकली जब हम बैंक के पास जाते हैं सबसे पहले बैंक को, हर बैंक का अपना एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो बैंक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देगा, आप वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ कुछ वो प्रिस्क्राइब फी चार्ज करते हैं। हर बैंक का अपना अलग अलग हो सकता है, वो अपनी प्रिस्क्राइब फी चार्ज करेंगे, साथ में आपके बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे लाइक आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया या कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उन सबकी रिक्वायरमेंट वो आपसे उसको होती है बैंक को। सेकेंड नंबर पे बैंक आपसे क्या डिमांड कर सकते हैं? सबसे पहला और जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटमेंट्स। बैंक सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट हिस्ट्री चेक करेगा, तो उसके लिए वो आपका चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो या और कोई बैंक के पास अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है तो वो उनकी भी स्टेटमेंट मांग सकता है, ये चेक करने के लिए कि आपका बिजनेस या आप फाइनेंशियली कितने वाइबल हो उस सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए। इसमें आपका करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, उसके अलावा एफडी, बैंक आपसे एफडी रिसिप्ट मांग सकता है। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो बैंक आपकी लोन स्टेटमेंट भी चेक कर सकता है, लोन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक ने आपसे आपकी लोन स्टेटमेंट मंगवा लिया, एफडी सर्टिफिकेट आ चुके हैं, अब बैंक इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है? अगले नंबर पर बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट को टारगेट करेगा, वो ये जानना चाहेगा कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट के एक्चुअल में वर्थ क्या है। तो अब बैंक आपसे किस किस टाइप की इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन मांग सकता है? जिसको मैं अदर इन्वेस्टमेंट नाम से डिनोट कर सकता हूं। सबसे पहला इसके अंदर आता है गोल्ड। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आज के टाइम पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड एक सिक्योर ऑप्शन है या फिर उनके पास जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही गोल्ड के अंदर कर रखी है, तो बैंक आपसे पहले गोल्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा। गोल्ड की एक प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट बैंक कंसिडर करेगा। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज के टाइम पे शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं या कोई और सिक्योरिटी जैसे शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए या और भी कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर लोगों को लगता है कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट करके एक तरह से अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन में बैंक आपसे मांग सकता है आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। फिर इसके बाद आपका बिजनेस या आप कितने फाइनेंशियली वायबल हैं, आपकी वेल्थ क्या है, ये जानने के लिए जो बैंक के पास अगला सोर्स हो सकता है वो हो सकता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। इनकम टैक्स रिटर्न, जब बैंक आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है तो उसमें वो आपके कुछ बैंक से तो जो तीन फाइनेंशियल की ITR मांग सकते हैं, कुछ पांच की मांग सकते हैं, ये बेसिकली बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि वो आपके कितने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो बैंक आपसे मांग सकता है आपकी बिजनेस की वेल्थ या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन जानने के लिए, वो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स। इसके अंदर बैंक आपसे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकता है, ऑडिट रिपोर्ट मांग सकता है या कोई एनुअल रिपोर्ट जो आपकी बनती है वो भी बैंक आपसे मांग सकता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट के बावजूद भी कुछ एक दो डॉक्यूमेंट और हो सकते हैं जो बैंक आपसे आपकी बिजनेस की वेल्थ या आपके बारे में जानने के लिए मांग सकता है, जिसमें अगला डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। इसके बारे में कई बार बैंक ऐसा भी होता है कि बैंक ये कहता है कि सर अगर आपकी वाकई में वेल्थ है तो आपने कोई ना कोई उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करी होगी, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी, आप हमें उन प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। अब ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को सबमिट करते हो, बट साथ में एक चार्टर्ड इंजीनियर इसको सर्टिफाई करता है कि आपकी एक्चुअल में इतनी वर्थ है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी हो सकती है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट बैंक आपसे डिमांड कर सकता है CA सर्टिफिकेट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर हो सकता है ऑडिट एप्लीकेबल हो। अगर आपका ऑडिट होता है तो हो सकता है बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग ले, बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपकी ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक आपको बोलता है कि जाइए किसी प्रैक्टिसिंग CA से सर्टिफाई करवा के लाइए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजिशन को। तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी फाइनेंशियल पोजिशन को सर्टिफाई करके देगा, जिसे बैंक कंसिडर करेगी आपके सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के इश्यूएंस के टाइम पे। तो हमने बात करी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे कौन इश्यू कर सकता है, इसके रिगार्डिंग आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब सवाल यह उठता है क्या बैंक कितने भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर पीरियड में इशू कर सकता है? आंसर इज नो, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि बैंक के अंदर जो जनरल मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो मैक्स टू मैक्स एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अगर किसी बैंक के पास आप जाते हैं सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के लिए और उसकी लिमिट एक्सीड कर गई है उसकी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट से, तो हो सकता है वो बैंक आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इशू ना करे। बट अगर एक बार आपको बैंक से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। जनरली सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपके आमतौर पर एक साल के लिए वैलिड माने जाते हैं, बट कुछ केसेस में ये लिमिट थोड़ी घट या बढ़ सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में एक साल ही सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लिमिट मानी जाएगी। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास फ्यूचर एक्शंस। चलिए मान लीजिए बैंक ने अपने सारे कॉम्प्लेंसेस कर दिए हैं, बैंक को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को सबमिट कर दी है, उनकी फीस आपने प्रिस्क्राइब जो भी थी वो आपने पे कर दी है, आपको वहाँ से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मिल भी गया है, तो अब क्या ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई भी पर्सन कोई एक्शन लेता है क्या उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? आंसर इज नो। बैंक अगर आप कोई भी फ्यूचर में एक्शन लेते हो उस सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर या उससे अगर किसी को कोई प्रॉफिट या लॉस होता है फ्यूचर में, अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है बट उसके ऊपर बाद में जिस पर्सन की वो इन्फॉर्मेशन है अगर उसके अंदर कुछ एरर पाया जाता है या उसके अंदर कुछ डिफेक्ट पाया जाता है तो बैंक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है फ्यूचर कोर्स के अंदर कोई भी लाइबिलिटी अगर अराइज हुई तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। दैट्स इट फॉर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।